बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू? दिस इज मारिया अथर फ्रॉम लबूटी। अब तो हद हो। एग्जैक्टली, आई वुड डेयर एनी डिजाइनर टू शो मी अ ड्रेस जो उन्होंने बनाया हो, जो नंगा तरीन हो, एंड उसके बाद वो मुझे उतना कपड़ा दें, आई विल मेक द सेम थिंग फॉर देम, और फिर देखें आप किसका ज्यादा बेहतर लगता है। एग्जैक्टली क्योंकि मैं डिजाइनर से मुखातिब हूं इस वक्त कि वॉट दे आर ट्राइंग टू टीच द पीपल। I am not telling you guys to wear something or not to wear something. अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि I don't judge. I try my best कि अगर किसी ने कम से कम भी कपड़े पहने हुए मैं उसको जज ना करूं, क्योंकि मैं कौन होती हूं जज करने वाली। क्या पता वो इतनी अमेजिंग बंदी हो कि वो मेरे से 50 दर्जे ऊपर हो, मेरे से क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार। वो इतनी अमेजिंग हो कि उसने सीधा जन्नत में जाना हो, मुझे नहीं पता पीछे से वो कैसी है, लेकिन आई ट्राई नॉट टू जज। बट आप जब इस तरह के कपड़े अपने मॉडल्स को पहनाओगे, देन एक मैसेज होगा टू द डिजाइनर्स कि यार देखभाल के कपड़े बनाओ, क्या बना रहे हो आप। जो ब्राज पहने हुए हैं, नीचे लहंगे पहने हुए हैं लोगों ने, और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सारे। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने दिखाना है कि जी वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो बड़ी हाई क्लास के लोग हैं, दे डोंट केयर, दे कैन वेयर एनी थिंग एंड एवरी थिंग। मतलब अनबिलीवेबल हद तक नंगे कपड़े आ चुके हैं। पहले था कि छोटा सा पेट नजर आता था, फिर वो हल्का सा ज़्यादा पेट हुआ, अब तो हद एग्जैक्टली ताबिंदा बिल्कुल मॉडर्न कहते हैं अगर आपके कपड़े कम। मैंने बताया था, शायद मैंने ऐलान का ड्रेस पहना था, एवरीबडी लव्स दैट ड्रेस, वो मेरी डीपी में भी लगा हुआ है, आई लव दैट ड्रेस ऑल्सो। जब वो ड्रेस आया तो इट वॉज द डे ऑफ द इवेंट, और जब वो मैंने पहना उसमें मेरा पेट नंगा था, और मुझे पहली चीज पता है क्या आई थी, मैंने कहा ये ड्रेस अगर मैं पहन के जाऊँ, एंड आई डिड नॉट हैव एनी अदर क्लोथ्स, और मैंने पहली चीज सोची थी कि अगर मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगी, मुझे अपनी आखिरत से ज्यादा मुझे आप लोगों का था। मैंने कहा वो कहेंगे यार हमें तो कहती है कवर्ड कपड़े पहनो, आगे से ये पहन के आ गई है। मेरे दिल में सीरियसली ये बात आई थी, एंड वो इतना नंगा नहीं था, उसमें शिफॉन आ रही थी और उसके ऊपर केप था, बट केप खुल जाता था। Still, I covered it. Everybody loved my dress. I have seen a girl on a डांस वीडियो इन अ वेडिंग जिसने सिर्फ और सिर्फ ये टैंक टॉप भी नहीं कहते इसको, तो कुछ ट्यूब टॉप पहना हुआ है। पाकिस्तान में कैन यू बिलीव अ गर्ल डांसिंग इन अ ट्यूब टॉप इन अ वेडिंग, जहां सारी दुनिया के माँ बाप भी आए हुए हैं, बहन भाई भी। आज मैं आई थी एक्चुअली हिजाब की बात करने, सॉरी अबाए की फैशन की बात करने, इट हैड नथिंग टू डू विद दिस डिस्कशन, लेकिन मैं अभी फराज मनान की स्टोरी देख के आ रही थी, एंड आई वॉज शॉक टू सी द ड्रेसेज द वुमेन वर वेयरिंग। उसकी वजह से आई वॉज सो अपसेट एंड सो एंग्री के आई वेंट इट आउट ऑन यू गाइज। It's how you carry your clothes, Ruxana. I learnt it by doing it. मुझे पता है कि यहाँ 500 लोग आए हुए हैं, उन सब ने करना जरूर है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक हद में करो। हम लोग मुसलमान हैं, मैंने भी किया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि अगर आप स्लीवलेस पहनोगे तो आप नॉन मुस्लिम हो जाओगे या कुछ हो जाओगे।